विवाहिता महिला ने अपने पति व सास ससुर के विरुद्ध लगाए गंभीर आरोप, पुलिस को दी तहरीर, कार्रवाई की मांग, महिला परेशान। आप सभी का सबसे तेज खबर सावसी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के मनोहरापुर से है, जहां के निवासी विवाहिता महिला सफीकुन्निसा पुत्री इसराइल ने इकोना थाने पर पहुंचकर अपने पति व ससुर तथा सास के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। महिला ने बताया कि विपक्षी सिराजुद्दीन पति ससुर व सास भिनगा कोतवाली इलाके के लौकी पुरवा पतजिहा के निवासी हैं। महिला की शादी 12 वर्ष पूर्व की गई थी, जिनके बाद दो छोटी छोटी बच्चियां भी महिला के हैं। महिला ने बताया कि दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित किया जाता है। 15 दिन पूर्व विपक्षियों ने महिला को मारपीट कर घर से भगा दिया, तभी से महिला अपने मायके में रहने लगी। इसी बीच सास ससुर ने साठगांठ करके दूसरी औरत के साथ पति सिराजुद्दीन को मुंबई भेज दिया। महिला को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने इकोना थाने में पहुंचकर विपक्षियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। क्या दिक्कत है आप थाने में हो, क्या समस्या है? हमारे सास ससुर हमारे परिवार हमें मार पीट के रात का गेंगा बला देकर हमें मट्टी तेल डलाए के जलाए कोशिश की। हम भाग के मोबाइल लेकर सौ नंबर फोन मिलाए, तब उन लोग बचाए नदीम दरोगा, उन लोग का पकड़ लेके आए बंद किन, उसके बाद में छोड़ दिन। जब भी जाए थे तब भी मारा था। हमारे सास ससुर परिवार बोलते हैं कि गाड़ी लेके आओ तो धोखा रखबे, नहीं तो भगाए देवे। हमारे परिवार लेके बाहर भाग गए, हमें मार पीट गए, हमारे मम्मी के यहाँ हमें छोड़ गए। एक लड़की ले ली नहीं, एक लड़की दे दी ली। आपके दो बच्चे हैं? हाँ, हमारे दो बच्चे हैं। लगभग कितने साल पहले शादी हुई थी? हमारे शादी 12 साल हो गया। आप परेशान कर रहे हैं? हाँ, परेशान कर रहे हैं 3 साल से इन लोग। मकिल फिर भी आते हैं आने, फिर हम चली जाती कि कोनो मेर का बसर हो जाए, कोनो मेर का बसर हो जाए। मकिल इनका मातारी मार दी, मूड टूट गवा है कोई कागज पूरा। मकिल हमारे भिंगा से कोई सुनवाई नहीं होती। आज थाने पर आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ। दूसरी शादी भी कर ली क्या? हाँ, वो उतने मिहारू लेके भाग गए। कल शाम कहे हमारे भाई लोग बताए नहीं, बड़ी खाला के लड़के उड़के, तो हम जान पाने तो कहते हमारे कुछ न कहते हो, दोनों खुड़वा को दोनों खुड़वा लो, हमारे कुछ न कहते हो तुम लोग। नाम है राबिया। कहाँ घर है? हमारे घर मनोहरापुर। ये आपकी लड़की है? हाँ, ये हमारी बड़ी लड़की। कितने साल पहले शादी की? 30 साल हो जाते शादी के। 12 साल? 12 साल हो जाते। कितने बच्चे हैं इसके? 2 बच्चे हैं। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि तो जब भी वह आने आते हम बेर बेर पठेते रहते हैं। पठे के आई था 10 रोज 15 महीना भर रखा था, तक मार के भगाए देते हैं। इनका सास मारा, इनके मुंह फूट गया, इनके बाप गया आती तो उनका है मारे हुए। ये बिटिया मंगनी ठाने रहे, तो जब आने गया तब कहीं की तो उनका भी मार नहीं, 2-3 झापड़ मार के तक जब वो जानी नहीं मातारी पुत 3 जने लपटिया को उनका मारे नेत किया रहे, तब वो 100 नंबर बलाई नहीं, तब बिटिया कहें तो बचाई लेके। आपके दामाद हैं वो? हाँ, हमारा काहे परेशान करते हैं, दहेज मांगते हैं? दहेज मांगते हैं, सोना चिमटी घड़ी दी नहीं, एक लड़ी सोने का दी, और कहते हैं बुलेट लाई के हम दियो तो तू का राखम, नहीं तो तिलक दे। तो जब शादी किए थे तब नहीं बताए थे? शादी किए थे तब नहीं बताए थे कि हमें ये दियो। भी कह रहे हैं कि हमरे तो ना कौना मेहन घर है, कहते हैं कि तो घर दियो, ये कि तो खेत थोड़े हमें खेत एक बीघा दियो, हम घर बनाएंगे। ये बता दी कोई लड़की लेके भाग गए, ये क्या मामला है? मामला है अब कुछ थर नहीं, इनका ला है 11 ही कैन मार के नहीं छोड़ गए। जब ये फोन करती है कि कहाँ, तो कहा तुझे क्या मतलब है? तो क्या किसी क्या? दूसरे लेके भाग गए? दूसरा लेके भाग गए, कल शाम के हमें खबर मिला तो आज हम भाग के थाने में आए। थाने में एप्लीकेशन दिया? हाँ, एप्लीकेशन दिया, लिखाई के कहा कहे साहब साहब कह दिए ना, साहब कहनी जब तुमको बलेबे तब तू आयो।